चौथा चौथा ऑप्शनल जो चीज होता है ना, एक्चुअली दैट इज वेरी मच डिफरेंट. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये तुम लोग का दो चीज डिसाइड करेगा. इट इज गोइंग टू डिसाइड टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर यू. एक पहला तुम लोग का कैरियर, लॉन्ग रन वाला कैरियर जो तुम लोग डिसाइड किए हुए हो, एंड दूसरा चीज योर मार्क्स. ये चौथा ऑप्शनल ना, ये दो चीजों को सोच के लिया जाता है. एक तो तुम लोग का जो करियर होगा उसको, दूसरा तुम लोग का मार्क्स जो आएगा. इट यू शुड बी सो स्ट्रॉन्ग इन दैट कि तुम लोग का मार्क्स अच्छा आ जाए उसके चक्कर में. अभी लेट मी टेल यू कि ये सब में देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज यू विल गेट टू हियर, जिसमें कि अभी ऐसा भी हुआ है लाइक पीपल हैव टेकन पीसीएमबी, अल्टीमेटली दे शिफ्ट टू प्लस टू साइंस लिए. प्लस टू साइंस लेने के बाद इमीडिएटली दे हैव शिफ्टेड टू बीए बीकॉम, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स. एंड देन इमीडिएटली दे हैव सीन द सडन चेंज इन द कैरियर पाथ, सडन चेंज इन द सेंस. सम ऑफ माई ओन रिलेटिव्स ओनली, वो लोग उस टाइम प्लस टू साइंस लिए थे. प्लस टू साइंस लेने के वजह से द जीके सेक्शन बिकेम सो स्ट्रांग फॉर देम. द कंसेप्चुअल द प्रेशर मेड देम जस्ट सो स्ट्रांग इनफ दैट बाद में जब बीकॉम लिया, बीकॉम बिकेम वेरी इजी फॉर देम. बीकॉम के बाद व्हेन दे स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर कॉम्पिटिटिव्स, कॉम्पिटिटिव्स मान लो कि जैसे तुम लोग का आरबीआई हो गया, योर यूपीएससी हो गया, दे क्लियर्ड इट. यस, तो यहाँ पे प्लस टू साइंस जब तुम लोग लिए हो, ऑलरेडी यू हैव क्रिएटेड और यू कैन से यू हैव कार्व्ड आउट अ सेपरेट नीश फॉर योरसेल्फ. तुम लोग को यहाँ पे प्लस टू साइंस के वजह से यू टेक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो लो, कंप्यूटर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लो, उसमें कोई मतलब नहीं है. ऑप्शनल क्या ले रहे हो, नॉट एन इश्यू. ऑप्शनल के वजह से लेकिन ट्रबल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इजी फॉर यू, पहला चीज. दूसरा, मार्क फेचिंग होना चाहिए. जितना कम मेहनत में तुम लोग का हो जाए, अभी मान लो किसी का कंप्यूटर अच्छा हो रहा है तो कम मेहनत में तो आ भी जाएगा उसका मार्क्स. और दैट टू आईसीएसई स्टूडेंट्स, उन लोग प्रेशर इतना डील का हैंडल कर चुके हैं कि वंस दे आर इनटू दिस प्लस टू, इट इज जस्ट लाइक वेरी इजी फॉर देम. जिस रेट में प्रेशर तुम लोग लिए हो, मीन्स आई रिमेम्बर तुम लोग का हिस्ट्री में देर इज लाइक अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन टू कवर. ज्योग्राफी यू गेट ऑप्शनल, नो डाउट, लेकिन पूरा इतना सब कुछ पढ़ने के बाद इट इज ट्रीटेड एज वन पेपर. तुम लोग एग्जाम दोगे दो पेपर का, बट इवेल्युएशन होगा सिर्फ एक, उसको एक बना के ही इवेल्युएशन होगा. और वहीं पे तुम लोग सीबीएसई को कंपेयर कर लो, सीबीएसई क्लास 10, उन लोग का साइंस का ही एक पेपर होता है. पढ़ते हैं वो लोग तीन देंगे, लेकिन एक पेपर, दैट इज योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑल बीइंग कंबाइंड इनटू वन. तो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि वंस यू आर इन आईसीएसई, 10th तक रट्टा मार मार के, सड़ सड़ के, कुत्तों के जैसे पढ़े हुए हो. एंड देन यू कम डाउन टू प्लस टू, तुम लोग सीएचएसई जाओ, सीबीएसई जाओ या आईसीएसई जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाड़ दोगे. लिटरली स्पीकिंग यू आर गोइंग टू टियर अप एवरीथिंग, टियर अप एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है, वो बात भी नहीं है. क्यों फाड़ दोगे? क्योंकि प्रेशर हैंडल किया है तुम लोग. सो यू हैव लिटरली कम आउट ऑफ दैट प्रेशर कुकर. तुम लोग का सब कुछ प्रेशर कुकर बन चुका है. यू कैन हैंडल प्रेशर ऑफ एनी डील, कोई भी एक्सटेंट का तुम लोग हैंडल कर सकते हो. दैट्स द रीजन व्हाई आईसीएसई स्टूडेंट्स एक बार अगर जाते हैं ना, सीबीएसई में जाओ प्लस टू में, या फिर सीएचएसई में जाओ, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. क्योंकि मैक्सिमम चीजें देखी हुई है, अब धोखेबाज इनमें से निकलता कौन है? मैथ्स. एग्जैक्टली, धोखेबाज क्यों बोला इसको? क्या सब पढ़ा हुआ था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैट्रिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, रेशियो प्रोपोर्शन, कितना सब कुछ पढ़ा था. उसमें से सिर्फ 10% आएगा इन प्लस टू, और बाकी का जो 90% है कौन खाएगा उसका? कैलकुलस नाम का जानवर खाएगा उसको.
यस कैलकुलस, कैलकुलस में भी दो तरह के कैलकुलस पढ़ोगे, एक डिफरेंशिएशन आएगा एंड एक इंटीग्रल कैलकुलस। वो चीज समझ ही नहीं आएगा जिसका मैथ्स खराब है, उसको समझ नहीं आएगा कि भाई ये हम लोग क्या देख रहे हैं। उस टाइम में इच्छा होगा बुक लेके जला दो, नहीं तो पेपर का उसको कबाड़ी वाले को बेच दो, नहीं तो भाई मैं फेल हो रहा हूँ। दिस इज वॉट द गोइंग टू कम इन साइड योर हेड फॉर द फर्स्ट थिंग। इसीलिए मैथ्स जितना तुम लोग के लिए इजी था, सोच रहे थे कि हाँ भाई हो जाएगा, 10th में तो इतना मार्क्स आ गया, प्लस 2 में ऐसे ऐसे होगा, वो सब नहीं होना। सो कैलकुलस इज समथिंग विच इज गोइंग टू कंज्यूम अ ग्रेट डील ऑफ टाइम फॉर यू। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑलरेडी पता है किस लेवल का तुम लोग को टॉर्चर करता है केमिस्ट्री। किसी को कुछ बोलना है इस बारे में, केमिस्ट्री किस लेवल का टॉर्चर किया हुआ है तुमको? नो, मैं सबको पता है। ओके सबको पता है, मेरे से आज तक नहीं हुआ केमिस्ट्री। फिजिक्स तो फिर भी चलो कॉन्सेप्चुअल है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट केमिस्ट्री उसका कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है हर जगह। एक सेट ऑफ रूल्स पढ़ लिया, नेक्स्ट पेज उल्टा तो बोलता है कि वो रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं ये सब चीज में। दूसरा पेज खोलो तो वहां पे देखो कि एक अनदर सेट ऑफ रूल्स होता है, एंड फोर्थ पेज में बोलता है ये दोनों सेट ऑफ रूल्स अप्लाइड नहीं है। सो छोड़ो, केमिस्ट्री फिर भी पढ़ना पड़ेगा, बट फिजिक्स, एक्चुअली आई एम इन गुड टर्म्स विद फिजिक्स, क्योंकि वो तुम लोग के लिए कंप्लीटली कंसेप्चुअल है। जितना पढ़ा उतना अप्लाई किया, न्यूमेरिकल्स किया, डन, काम खत्म। लेकिन अगर कोई परेशान करेगा तुम लोग को, मैथ्स एंड केमिस्ट्री ये लिख के रखो। बट अगेन अनदर थिंग इज, जो लोग बायो लेते हैं, लेट मी टेल यू, आईसीएसई बायो को अच्छे से पढ़ा है, सीबीएसई एंड सीएचएसई +2 इज गोइंग टू बी अ वॉक इन द पार्क। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज गोइंग टू बी अ वॉक इन द पार्क फॉर यू। क्यों? सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। जैसे कि तुम लोग का फर्स्ट ईयर में यू विल बी कवरिंग द कॉन्सेप्ट्स लाइक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइटोलॉजी, सेल। रट्टा मारा हुआ है क्लास 9 से तुम लोगों ने। क्लास 10 में भी सेल डिवीजन के बारे में पढ़े हो, सेल साइकिल पढ़ा है, क्रोमोसोम पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है, जेनेटिक्स भी देख लिया। सो एवरीथिंग कम्स अंडर दिस कैटेगरी, साइटोलॉजी में आ गया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अगेन क्लास 9। क्लास 9 का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में यू हैड स्टडीड अबाउट एंड्रोशियम, पॉलियोडेल्फस, मोनोडेल्फस, जायडेल्फस, देन पॉलियंड्री। सो ऑल दोज थिंग्स अगेन विल बी रिपीटेड, लेकिन थोड़ा सा ग्रेटर डायमेंशन में। और वो ग्रेटर डायमेंशन जब आएगा, यू वॉन्ट फील द क्लमजीनेस ऑफ द सब्जेक्ट थोड़ा, क्योंकि तुम लोग को मैक्सिमम आ जाएगा इसमें एमसीक्यूज। अभी जब तुम लोग स्कूल जाओगे, स्कूल में यू विल बी राइटिंग द एग्जाम्स, वहां पे तुम लोग को ज्यादातर क्या देंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू, यू विल बी गिवन फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, देन देयर विल बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, जिससे कि तुम लोग थोड़ा सा पीछे हटे हुए अब तक। क्योंकि आईसीएसई में ज्यादातर क्या होता था, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स मैक्सिमम जाएगा, कितना 4 मार्क का क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन उसमें भी बिट्स होंगे, 1 मार्क, हाफ मार्क, 2 मार्क ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन वेन यू कम डाउन टू द सीबीएसई, +2 में जब आते हो, देन अगेन अ कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन टू यू विच सेज दैट यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। उसको प्रैक्टिस करना अभी तुम लोग के लिए जरूरी हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट वॉट अदर कॉन्सेप्ट आर देयर, यू हैव स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अभी अगेन इन क्लास 9 यू हैड स्टडीड अबाउट समथिंग कॉल्ड टिश्यूज। टिश्यूज के बारे में पढ़ा हुआ था, और ये चैप्टर हर किसी का जान लिया हुआ है, इफ आई रिमेम्बर प्रॉपरली। कुछ को तो क्वेश्चंस भी याद होगा, इतना घिनौना क्वेश्चन था, सबको क्वेश्चंस भी याद होगा। किडनी में कौन सा टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है, कॉर्निया में कौन सा टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है, वॉट टाइप ऑफ टिश्यू डू यू फाइंड इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक,
लेट मी टेल यू, वही सब क्वेश्चंस आएंगे इन योर नीट, यानी कि जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम. देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में यू विल बी कवरिंग अबाउट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स, सब कुछ वहां पे आ जाएगा. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बड़ा ही इरिटेटिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दैट इज डाइवर्सिटी. इसको ना हर कोई लास्ट में कवर करता है. क्यों? इट इज अबाउट टैक्सोनॉमी. पढ़ा था ये तुम लोगों ने क्लास 9 में इन चैप्टर 5, डाइवर्सिटी, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, वो सब कुछ कवर अप किया था. सो दैट कम्स एज अनदर यूनिट. मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी. ये फिजियोलॉजी तुम लोग का आता है अराउंड 36 मार्क्स. ओके, 36 मार्क्स इज कवर्ड फॉर दिस थिंग. और ये 36 मार्क्स अगेन डिवाइड हुआ हुआ है 18 and 18. क्यों? क्योंकि लिनियस ने हम लोग को दो वरदान दिए हुए थे. एक था प्लांटे एंड एक है एनिमलिया. तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी इज गोइंग टू टेक 18 and 18. तो ये पूरा पेपर जो तुम लोग का आएगा अभी अराउंड 70 मार्क्स का, वो सब में तुम लोग का 18 मार्क्स एनिमल फिजियोलॉजी, 18 मार्क्स प्लांट फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी इज टेकिंग 15 मार्क्स. तो बाकी रेस्ट इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो डाइवर्सिटी को मिलता है सिर्फ 7 एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन गेट 12. So 12, 18, 18, 15 and 7. So अगर मेरा मैथ्स का कैलकुलेशन खराब नहीं है, आई थिंक इट इज ऑलरेडी 70. और तुम लोग का क्वेश्चन पेपर आएगा अराउंड 70 मार्क्स. लेकिन अगेन तुम लोग का मेन रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स आएगा 100 से. अभी तुम लोग का वो 100 मार्क्स कैसे आएगा? स्कूल में क्या होता था, 80 मार्क्स का पेपर होता था, 20 मार्क्स का ये लोग तुम लोग के सर पे चिपका देते थे. क्या? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ये लिख के दो, कंटेंट या फिर एक्नॉलेजमेंट जो कि कोई नहीं पढ़ता था. यहाँ पे वो सब नहीं हो रहा. ये जो 30 मार्क्स बचे हुए हैं, दैट विल बी योर प्रैक्टिकल. अब ये प्रैक्टिकल तुम लोग का जान लेगा. क्यों? प्रैक्टिकल रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं किया टाइमली, करेक्शन नहीं करवाया टीचर से, वो लास्ट मोमेंट में भी साइन मारने के लिए बहुत ड्रामा दिखाएगा वो टीचर कि भाई पूरा साल कहाँ थे भाई, तुम लोग का चेहरा तक नहीं देखा हम लोगों ने. ठीक है भाई, चलो रिकॉर्ड में सिर्फ 5 मार्क है, बाकी 25 मार्क कहाँ जाते हैं? उसमें से कुछ जाते हैं फॉर वाइवा. चलो वाइवा अगर समझ नहीं आता, जो तुम लोग इतने दिन से क्लास 8, 9, 10 तुम लोग यहाँ पे किए हुए थे, दैट इज ओरल टेस्ट, ये कुछ कुछ वैसा ही है. ठीक है, तो वाइवा में तुम लोग को आएंगे वो लोग, कोई एक बाहर से एक्सटर्नल आएगा. मान लो कि फेलिना में हम लोग किसी और को बुला लिए होते कि भाई इन लोग का ओरल टेस्ट हो रहा है, तो हम लोग ओरल टेस्ट नहीं लेंगे, आप इन लोग का ओरल टेस्ट लो. और वो इंसान जिसको तुम लोग जानते तक नहीं हो, वो सबसे पहले सड़ा हुआ मुंह लेके तुम लोग के सामने बैठता एंड देन पहले तुम लोग को अच्छे से देखता, फिर जाके तुम लोग को क्वेश्चन पूछता उस टॉपिक पे. फिर जो एक तो उस इंसान को देख के ही गुस्सा आ रहा होता है, फिर जो बचा कुचा कॉन्सेप्ट भी था वो सब भी गया इवेपोरेट. ठीक है, आधा आंसर निकला, आधा आंसर नहीं निकला, जो भी सिचुएशन है. कुछ बच्चों को आदत है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. जैसे तुम लोग को आदत है इस चीज का, तो वाइवा का तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए तुम लोग को. यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन दैट. बट अगेन बाकी के चीजें कैसे इवेल्युएट होंगे? हाउ आर द रेस्ट? सपोज ये सब में तुम लोग का मान लो 5 to 10 मार्क्स गया, बाकी के 20 मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं? बाकी के 20 मार्क्स आर एक्चुअली कमिंग फॉर योर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स. ओके, देयर विल बी मेजर एक्सपेरिमेंट, देयर विल बी मेजर एक्सपेरिमेंट एंड ऑल्सो माइनर एक्सपेरिमेंट. अब ये मेजर एंड माइनर एक्सपेरिमेंट क्या है? मेजर एंड माइनर एक्सपेरिमेंट, जैसे कि तुम लोग को याद होगा
अपने बायो क्लास 10 में यू हैड वर्कड अबाउट समथिंग कॉल्ड ट्रांसपिरेशन एंड पोटोमीटर. आई थिंक सबको याद होना चाहिए ये चीज, ट्रांसपिरेशन एंड पोटोमीटर. अभी तक बच्चे कंफ्यूजन में है कि उसमें आंसर क्या लिखें, वो जो क्वेश्चन था उसमें क्या आंसर लिखें. मैम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लिखना है कि रेट ऑफ वाटर अपटेक लिखना है, वो छोड़ दो बेटा. अभी प्लस टू में तुम लोग को वो चीज डायरेक्ट करना है, वो इतने से वेसल में वो ट्विग ला के तुम लोग को डालना है. और अगर तुम लोग अच्छे से बात करते होगे वो डेमोन्स्ट्रेटर के साथ, जो कि लैब में तुम लोग का हर चीज का ध्यान रखे, हर चीज, ओके एवरीथिंग, तो एवरीथिंग तुम लोग समझ जाओ क्या थिंग है. तो वो डेमोन्स्ट्रेटर के साथ अच्छे से तुम लोग बात करते होगे तो वो तुम लोग को करके दे देगा. बेटा रीडिंग लिखो. पर अगर नहीं किया ठीक है तो वहां पे वो तुम लोग का हालत टाइट करेगा. कैसे है क्लास में नहीं बैठे थे तुम लोग, नहीं आता ये सब, बाढ़ में जाओ. जैसे तुम लोग को जानता ही नहीं, तो भाई सब कुछ इतना मेंटली प्रिपेयर करके रखो कि सब कुछ खुद को करना है. तो वहां पे लिटरली इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना, उसमें पानी डालना, ट्विक को डालना, टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस जो तुम लोगों ने आईसीएसई में पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में किया था, वो सब कुछ तुम लोग लाइफ प्रैक्टिकल में करोगे. इसीलिए बोला जाता है कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जिन लोगों ने आईसीएसई में बहुत अच्छे से किया हुआ है, दे आर जस्ट गोइंग टू नेल इट इन प्लस टू, और उन लोग के लिए बहुत ईजी होने वाला. एंड इनफैक्ट प्रैक्टिकल्स यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय. दूसरा स्पॉटिंग आता है, ठीक है, मेजर एक्सपेरिमेंट है, माइनर एक्सपेरिमेंट है, उसके रीडिंग्स लोगे. एंड रीडिंग्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि कितना एक्यूरेट आता है, तुम लोग कर पाए वो चीज को, दैट इज मोर देन इनफ. इंस्ट्रूमेंट को बिना तोड़े तुम लोगों ने सेटअप किया, रीडिंग अपने हिसाब से, हाँ सारे प्रिकॉशंस लिए, ऐसा रीडिंग आया. चार रीडिंग लिया है उसमें से तीन भी अगर सही है फाइन, छह लिया है चार भी सही है फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बस इंस्ट्रूमेंट तोड़ना मत, नहीं तो उसका बिल वो तुम लोग के सर पे चिपका है. दैट्स ऑल. लास्ट में रह जाता है अपार्ट फ्रॉम मेजर एंड माइनर एक्सपेरिमेंट, स्पॉटिंग. व्हाट इज द स्पॉटिंग ऑल अबाउट? स्पॉटिंग में मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम लोग इंस्टीट्यूट में जब क्लास में बैठे होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे क्लास में क्या होता था, हम लोग बैठते थे इस कंपार्टमेंट बट सुनते थे कि वहां पे सर के क्लास में क्या हो रहा है. तो कान यहाँ पे हम लोग ये रहते थे लेकिन कान उस साइड में होता था, दिमाग में वो सब चीज चलता था. लेकिन मान लो कि अगर बाहर हम लोग खिड़की से कुछ चीज देखते थे, उसको देख के हम लोग कमेंट्स मारते थे. मीन्स देर वॉज लिटरली नो डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट. मेरे को तो कभी फील ही नहीं हुआ कि आई एम टीचिंग देम, कभी भी नहीं. सो स्पॉटिंग एग्जैक्टली वैसे ही है, जो चीजें देखा देख के उस पर कमेंट मारो. एग्जैक्टली कमेंट मारो, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट और से. क्योंकि तुम लोग जब हेडिंग भी लिखोगे कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, तो मैंने क्या गलत किया कमेंट बोल के. तो जब कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन लिखोगे एंड इवन दे माइट आस्क यू टू राइट द क्लासिफिकेशन. मतलब मान लो मैंने समर्पिता होता को खड़ा किया वहां पे, उसको देख के लोग क्या कमेंट्स लिखेंगे, सॉरी लिखेंगे मारेंगे नहीं. तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन आएगा. क्लासिफिकेशन में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज सब कुछ लिख दिया. लास्ट में नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो सब नहीं लिखेंगे, डोंट वरी. कमेंट्स में क्या लिखा जाएगा, जो दिख रहा है वही लिखेंगे. दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं, आंखें हैं, नाक है. इस लड़की ने अगर वैक्सिंग किया हो तो बॉडी हेयर नॉट विजिबल, तो मैमल है कि नहीं, नहीं बता सकते. लेकिन फिर भी सर पे बाल हैं तो बता सकते हैं कि हाँ मैमल है. सो दीज आर सम टाइप ऑफ बेसिक फीचर्स जिसको हम लोग देख के वो चीज को कमेंट्स के हिसाब से लिखते हैं. सो दैट बिकम्स योर कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस.
देन उसके बाद एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कि सिंस ऑल दीज कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट सो इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हें कुत्ता लाके खड़ा कर दिया वहां पे, देन ऑल्सो इट बिकम्स इजी फॉर यू. बट अगेन स्पॉटिंग है, इतना मेहरबानी तुम लोग पे नहीं करेंगे कि कुत्ता लाके खड़े करें कि या फिर इंसान को लाके खड़ा करें. व्हाट दे विल ब्रिंग, दे विल ब्रिंग अ स्नेल, स्नेल मान लो, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, स्क्विड, कोई कहीं से स्क्विड पकड़ के ले आया, टोड, उसको देख के तुम्हें उसके बारे में सब कुछ लिखना है, क्लासिफिकेशन, कमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग. लेकिन अगेन आईसीएसई स्टूडेंट्स या फिर कोई भी स्टूडेंट ले लो, एक आदत होता है कि हम लोग को 2 मार्क का पूछेंगे ना तो भी हम लोग इतना लिख के उसके सामने चिपकाएंगे, तो वो चीज नहीं करना है. जब भी हम लोग प्रैक्टिकल में या स्पॉटिंग के ऊपर कुछ भी लिख रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प. 5 से 6 कैरेक्टर्स लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, यू विल गेट मार्क्स. इवन तुम लोग आईसीएसई में भी जब आंसर्स लिखते थे वही चीज तुम लोग को बोला जाता था कि राइट योर आंसर्स इन अ वेरी क्रिस्प मैनर, जितना पूछा गया उतना लिखो, बेकार का टाइम वेस्ट मत क्या करो. एंड एक और चीज बता दूं, यहाँ पे तुम लोग को जो क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू फेस, वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन द एग्जाम्स. जैसे कि बायो का अगर एग्जाम हुआ, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग. अभी मैक्सिमम क्वेश्चंस का ना तुम लोग को अच्छा खासा आइडिया है इसके बारे में. क्या है वो सब क्वेश्चंस, जैसे कि आंसर इन वन वर्ड, यू ऑल आर क्वाइट पोको इन ऑल दिस थिंग्स, देन कम्स योर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव्स में है तो फिर ये सब तो आएगा ही, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी उनके सेक्शंस होते हैं, कैसे, 1 मार्क वाले शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स तक भी जाता है, लेकिन वो शॉर्ट के कैटेगरी में लिखते हैं, वो शॉर्ट के कैटेगरी में होता नहीं है, थोड़ा लंबा लिखना होता है उसके लिए. देन लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अभी तुम लोग का मैक्सिमम 4 to 6 मार्क्स के बीच में होता है. अब जो लोग सीएचएसई में जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस उन लोग के लिए, जैसे हम लोग के टाइम में ही आता था, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, 7.5 मार्क ईच, मतलब 15 मार्क का खाली लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है. और वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता था, यू हैव टू डिराइव अ लॉ, यू हैव टू स्टेट द लॉ, स्टेटमेंट लिखना है, डेरिवेशन देना है, प्रूफ करना है. सो दिस वॉज द टाइप, एंड दिस आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बायो में क्या होता था, अभी अगर याद होगा आईसीएसई में पढ़ा था तुम लोगों ने, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. क्या था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में, अल्ट्राफिल्ट्रेशन था, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन. तो वो तीनों को तुम लोग को अच्छे से डिटेल में लिखना है. तो जो तुम लोग को नोट्स दिया गया था उस टाइम में, दैट इज एक्चुअली 1 लॉन्ग क्वेश्चन. वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन को तुम लोग को लर्न करके उसको लिखना है. एंड डिफरेंस बस इतना है कि थोड़े बहुत वैल्यूज वहां पे इंक्लूड करने हैं, नहीं तो तुम्हारा आंसर साइंटिफिक नहीं लिखते. अब वैल्यूज थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वैल्यूज अगर लिखते हो तो फिर तुम्हारे आंसर कुछ ज्यादा ही क्रिस्प एंड अप्रोप्रिएट लगते हैं. सो दिस इज जस्ट 1 स्ट्रेटेजी ऑफ राइटिंग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट मूविंग, एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें सबका बैंड बजता है. एक्चुअली कोई भी अगर नया गया हो उधर तो उसके लिए ये बड़ा डिफिकल्ट होना लगता है, लाइक उसको कॉन्सेप्ट समझना बड़ा मुश्किल होता है. व्हाट इज दैट, लेट्स सी, इट इज योर रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है, अभी सबसे पहले तुम लोग को एक फैक्ट दे दिया जाएगा, कोई भी फैक्ट. मान लो समर्पिता से स्टार्ट करते हैं, टुडे आर सब्जेक्ट इज समर्पिता होता, तो समर्पिता से स्टार्ट करते हैं. मान लो समर्पिता इज एन इडियट, सॉरी एंड समर्पिता, नो ऑफेंस, सपोज समर्पिता इज एन इडियट, ये मैंने एक
लाइन या फिर एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, अब मैं उसका रीजन दूंगी. सो दिस इज वन एसर्शन फॉर मी दैट समर्पिता इज एन इडियट. अभी मैं उसको लेके एक रीजन दूंगी, ठीक है. समर्पिता सेड यस टू देयर डिसीजन, ठीक है. क्या था मेरा सबसे पहले एसर्शन? माय एसर्शन वाज समर्पिता इज एन इडियट या फिर समूह इज एन इडियट. ये मेरा एसर्शन था. रीजन क्या था? समू सेड यस. अब क्या चीज के लिए यस था वो मैं नहीं बता रही हूं, नो ऑफेंस. क्या चीज के लिए यस था? थिंग इज तुम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो एसर्शन लिया हुआ है तुम लोग का रीजन उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है. इज द रीजन अप्रोप्रिएट, मतलब जो फैक्ट तुम लोगों ने अभी प्रेजेंट किया है क्या वही उसका रीजन है, ठीक है. तो तुम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ दिस एसर्शन एज वेल एज द रीजन ऑफ द एसर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तुम लोग को क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तुम लोग को एमसीक्यू दिए जाएंगे. एमसीक्यू इन द सेंस चार ऑप्शंस दिए जाएंगे. वो चारों ऑप्शन में से क्या क्या है सब देख लो. बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू. समू इज एन इडियट ऑल्सो and the reason that she said yes, that's why she's an idiot, so that is also true. So both R and A, that is reason and assertion, they are true. Dusra option, assertion is true but reason is false. Ha, Samu is an idiot, no doubt, but reason jo de rahe ho na uske idiotic usko bolne ke liye, so that is not correct. So isliye assertion is true but reason is false. थर्ड कैटेगरी, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, उल्टा. फोर्थ, बोथ रीजन एंड assertion आर फॉल्स. ये हैं चार ऑप्शंस जो कि अभी आएंगे तुम लोग के सामने, ठीक है. चारों ऑप्शंस अभी तुम लोग के सामने आ जाएंगे एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज. रीजन असर्शन दोनों देखना है एंड देन यू डिसाइड दैट व्हिच इज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ एक चीज, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. एक पीडीएफ ही देखते हैं हम लोग. तो पीडीएफ के हिसाब से मान लो कि तुम लोग को अभी जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है, लाइक मान लो तुम लोग को दिया गया है सेल साइकिल, ठीक है. अभी सेल साइकिल तो हर कोई जानता है अच्छे से, हर किसी ने पढ़ा हुआ है अच्छे से उसको. सो अभी एक बार देखते हैं कि सेल साइकिल के रिलेटेड तुम लोग को कितना क्या चीजें याद है. कुछ तो बेसिक चीजें तो याद होंगी, नो डाउट इन दैट. फिर भी देखते हैं व्हाट एल्स डू यू रिमेम्बर. एंड इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन नाउ जस्ट लेट मी नो दैट यू आर यू कैन सी इट. Are you able to see the screen? Yes. Are you able to see it? Okay. Let me just magnify it a bit. So just have a look at this thing. चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है दैट अगेन इट हैज टू स्टेटमेंट्स. हर क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, असर्शन एंड रीजन. एंड ये असर्शन रीजन को तुम लोग को में से डिसाइड करना है इस इन दोनों में से दैट विच इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स, या फिर दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है. तो फर्स्ट ऑप्शन देख लो. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन दे आर करेक्ट एंड द रीजन विच हैज बीन गिवन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सेकेंड ऑप्शन क्या है?
if both assertion and reason are correct, but the reason is not the correct explanation of the assertion, if assertion is correct but reason is incorrect, if both assertion and reason are incorrect, and the fifth option again, if assertion is incorrect but reason is correct. So essay type ke questions jo aayenge, this will be again coming in your NEET, that is NEET exam. ठीक है, नीट एग्जाम में ऐसे ही दिमाग फोड़ने वाले क्वेश्चन आते हैं. सो दिस इज अगेन क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग इज फ्रॉम एम्स. एम्स के क्वेश्चन अभी यहाँ पे जो साइड में देख रहे हो, 2010, 2012, 13, 14, 16. ओके, तो ये सब एम्स के ही क्वेश्चन हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट यू राइट नाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग फॉर अ मोमेंट. आई एम एंडिंग दिस मीटिंग एंड स्टार्टिंग इट अगेन. So kindly rejoin as soon as possible. Sayuni, you want to say something? No, मैं स्वाइप से गलती से हो गया. गलती से हो गया? Okay, no issues. गलती से mistake, acceptable. Okay. Fine then. Ending the meeting for a while. You people can rejoin exactly at 3:40.